वाले भाई है वैगन आर है, आगे से तो पूरा ठीक है। हाँ आगे से तो ठीक है यार, ये कैसे टकराई ऐसे भाई, बहुत तगड़ा सीन हो रखा है। तो गाइस नंबर डल चुका है मेरी गाड़ी में, ये देखो 18वां नंबर देखा मैंने, कैसे अंदाजा मार दो, और 18वां नंबर है भाई अपनी गाड़ी का। भाई टायर निकाल देते भाई, नट वगैरह मैंने खोल दिया है, तो इसको कि आज ना गाइस मैं जा रहा हूँ भाई अपनी कार की सर्विस कराने के लिए भाई, डिजायर की, जो कि भाई चल चुकी है भाई, ये देख लो 64,000 किलोमीटर चल चुकी है ये गाड़ी, एंड मैंने इसकी सर्विस कराई थी भाई 55,000 में कराई थी, यानी कि 10,000 में जो है ना कार की सर्विस हो जाती है। तो फोन भी आया था भाई कंपनी से गाड़ी की सर्विस करा लो, तो मैंने फिर कॉल किया भाई, तो मैंने फिर नंबर लगाया भाई, तो सुबह सुबह जाना पड़ता है भाई, तो मैं जा रहा हूँ भाई रोहन मोटर में, मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत तगड़ा वाला सीन हो रखा भाई। किसकी लगी तो नहीं, कौन सी गाड़ी, कौन सी गाड़ी भाई, वैगन आर है, कब हुआ, रात को हुआ, भयंकर तगड़ा हो रहा है, लोकल नंबर लग रहा है यार, लोकल है भाई, है वैगन आर है, आगे से तो पूरा ठीक है। हाँ आगे से तो ठीक है यार, ये कैसे टकराई ऐसे भाई, यार थोड़ा साइड साइड पर है ना गाड़ी वाड़ी, इधर चलती है हाईवे बच्चों की तरफ ना भाई, बहुत तगड़ा सीन हो रखा है तो है। हाँ वैगन आ रही है, पर ऐसे कैसे पलट पलट गई इसमें, है ना पेड़ में चढ़ाई इसमें, उधर से चढ़ाई लग रहा मुझे, है ना भाई अंदर क्या है, केक बड़ा, कोई बर्थडे मना रहे थे। हाँ यार केक वेक पड़ा हुआ, ये देखो भाई, एंड इसमें ना केक वेक पड़ा हुआ है, ये देखो बर्थडे बर्थडे मना रहे होंगे भाई लोग, केक वेक पड़ा हुआ, गाड़ी ना बहुत तगड़ी हो रखी है भाई, बहुत ज़्यादा क्रैश हो गई है, भयंकर वाला सीन हो गया यार। और ये देखो ये शीशा पड़ा हुआ इसका, ये देखो शीशा वीसा पड़ा हुआ टायर टप्पर, इसमें चढ़ा दी इसने गाड़ी भयंकर, ना यहाँ चढ़ा दी मुझे लग रहा है ऐसे में, ना ऐसे में चढ़ी है, बड़ा साइड लगी, ये देखो ये साइड लगी है, गाड़ी चढ़ी थी तो सामने से चढ़ी थी या पीछे, अच्छा इस साइड से दब रखी पूरी है, एक साइड से पूरी दब रखी, ये देखो उधर से जो गाड़ी आया ना वो काटने के चक्कर में, ठीक है ये उसके बाद वहां से जाके फिर मुड़ा ये गाड़ी, तब सीधा ऐसे में ऊपर चढ़ने के बाद लग रहा है क्या, इधर से आया गाड़ी और गाड़ी नहीं संभला ना, स्पीड में होगा गाड़ी, ये गाड़ी और ये अगला सो ऐसे निकला और गाड़ी ऐसे खड़ोच के इसके ऊपर चढ़ गया, रात को हुआ होगा, रात को ही हुआ होगा, खा पी के रख लगे मुझे लग रहा है ऐसे। तो गाइस यार ये है भाई कुछ ऐसी गाड़ी है भाई, ये देखो UK07AX4168 है भाई, इसलिए बोलते हैं भाई रोड पे चलो तो कभी सेफ्टी से चलो भाई, आदमी भी होंगे इसमें ना, ना बच गए वो ऐसा ना आगे से नहीं लगी, ये शीशा तोड़ के निकले होंगे ये लोग ना, शीशा वीसा तोड़ के निकले होंगे। हाँ बहुत तगड़ा सीन हो रखा यार, बाकी और तो कुछ है नहीं, थानों वाला रोड है भाई अपना, और भाई बहुत तगड़ा सीन देखा आपने, क्या भयंकर सीन हो रखा भाई, वैगन आर का भाई पेड़ के ऊपर चढ़ के भयंकर की, और केक वेक और पिज्जा वगैरह के डब्बे वगैरह थे यार भाई कार के अंदर में, यानी कि यार वो पार्टी बना के आऊंगा रात के टाइम में, हुआ होगा भाई एक्सीडेंट, और मुझे लग रहा है कि हाई स्पीड में होगा, हो सकता है ड्रिंक व्रिंक भी कर रखी होगी, एंड लोकल नंबर था ये, पता नहीं क्या यार क्या सीन है, तभी तो बोलता हूँ मैं हाईवे में जब भी मतलब रोड पे निकलो ना यार, कभी भी हाईवे हो चाहे छोटी रोड हो ना, तो गाड़ी थोड़ा सा ना यार कंट्रोल होकर चलाओ, और पी खा के अगर आप गाड़ी चला रहे हो ना तो यार उसमें ना कतई विश्वास मत करो भाई, पीने खाने के बाद ना गाड़ी बैग भूक जाती है भाई, पीने समझ रहे हो आप। सो गाइस रोहन मोटर में पहुंच गया हूँ, और आने में होगी भाई थोड़ी बहुत लेट, और लंबा लंबा लग गया, देखो भाई कितना साल लंबी लाइन लगी पड़ी है, कम से कम 18-20 नंबर होगा मेरा, ये लगी पड़ी है, इसके पीछे भी लगी पड़ी है, एंड अभी एडवाइजर आएंगे तो देखेंगे भाई अपनी गाड़ी को। तो गाइस नंबर डल चुका है मेरी गाड़ी में, ये देखो 18वां नंबर देखा मैंने, कैसे अंदाजा मार दो, और 18वां नंबर है भाई अपनी गाड़ी का भाई, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। तो गाइस अपनी गाड़ी लग चुकी है, और ये भाई अपना बे बन चुका है भाई, जॉब कार्ड बन चुका है, तो गाड़ी मेरी लग गई है वहाँ पर, तो ये भाई चेक हो रहा है भाई अभी इंजन वगैरह भाई, यहाँ पर ना भीड़ बहुत ज़्यादा है, और मेरी गाड़ी की ना सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ना जो है ना तो वॉशिंग नहीं करा रहा हूँ मैं, क्योंकि ना गाड़ियाँ बहुत सारी लगी हुई है, ये देखो कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई, तो वॉशिंग करा देंगे भाई हम बाहर, तो फिलहाल अपनी गाड़ी अभी निकल रही है, ये है भाई अपनी गाड़ी, इसका जो है ना ऑयल वगैरह चेक हो गया, जो कि जो चीज़ होता है सर्विस में वो हो गया है। तो गाइस सर्विस तो अपनी गाड़ी में कंप्लीट होगी, जो इंजन ऑयल वगैरह है वो सब डल चुका है, बट ये कि वॉशिंग नहीं हो पाई, क्योंकि ना गाड़ियों का नंबर बहुत ज्यादा था भैया, मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा था, और वॉशिंग में लगता है भाई लगभग बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो मैंने 9:30 बजे गाड़ी दी थी, और 12:30 बजे करीब तक मेरी गाड़ी हो गई थी भाई पूरी, मतलब जो सर्विस का काम होता है ना वो हो गया था, उसके बाद जो वॉशिंग वगैरह काम होता है वो होना था बाकी,
और उसमें टाइम लग जाता कम से कम 3 से 4 बजाते, कह रहा था भाई वो, क्योंकि लंच टाइम भी हो जाता भाई 12:30 बजे तक जो गाड़ी मेरी हुई, तो उसके बाद नंबर लगता वॉशिंग के लिए, तो 3 से 4 भी बज सकते थे, 5 भी, तो मैंने बिना वॉश कराए लिया है भाई। तो अभी ना गाड़ी पूरी गंदी वंदी है, तो इसको अब धुलवाएंगे यार। एक तो धुलवाने का सीन ये ना कि मेरे घर के आसपास जो है ना दुकान है नहीं भाई वॉशिंग की, तो देखते हैं अभी घर में जाकर क्या होता है, घर में जाके ही धुलाई करनी पड़ेगी। बस ये कि अपना यार जो है ना गाइस जो है अपना टाइम बच जाता है बस, और कुछ नहीं है। तो वॉशिंग करानी, वैसे कहते हैं और सर्विस वाले भैया कि कभी भी ले आना आप सर्विस, जब आपके टाइम हो ना तो कभी भी ले आना आप ना, वॉशिंग करवा लेना, आपको फ्री वॉशिंग हो जाएगी भाई। क्योंकि सो गाइस घर पहुंच गया हूं मैं, एंड गाड़ी तो अपनी ये है भाई, और भाई ये अल्टो भी ना बहुत ज्यादा गंदी हो रखी है, तो उसको भी वॉश करानी है। और एक देखो ना खड़े खड़े क्या क्लेश हो गया, यहाँ देखो टायर, देखो ये टायर ही बैठ गया हैंग करके खड़े खड़े गाड़ी में, देखो धूल लग गई, कब से यूज भी नहीं कर रखी, और खड़े खड़े जो है नुकसान हो गया, पता नहीं क्या पंचर होगा क्या होगा खड़े खड़े गाड़ी में। तो आजकल जिंदगी में चल रहा है भाई बहुत से टेंशन, एंड पता नहीं क्या है, सनी लग गया क्या है, बट ये है कि अभी सर्विस करा के लाए, और ऊपर से देखो टायर उसका बैठ गया, तो अभी जाके यार पहले तो इसका पंचर बनवा लेते हैं, सोचा था इसको चलाने की, जैसे मैंने देखा भाई टायर तो इसका बैठ रखा है, तो इसको ले चलते हैं पहले, और इसका टायर खोलता हूँ, वैसे गाड़ी नहीं ले जाता, टायर खोल के ले आता हूँ और पंचर बना के लेके आता हूँ। इसका टायर निकाल देते भाई, नट वगैरह मैंने खोल दिया है, तो इसको ले चलेंगे भाई दूसरी गाड़ी में, और सान भी यहाँ रखी है। क्या हुआ आ जाएगा इसमें, इसमें सीएनजी लगी हुई ना, आ गया भाई आ गया, तो दोनों चलेंगे, सेजल सानवी भी जा रहे, चलो भाई सेजल सानवी को भी ले जाते हैं, हाथ हटा दो यहाँ से। लावा को ना बुझाने वाला कुछ दिखा था, क्या लावा को बुझाने वाला? अच्छा वो फायर का है, वो गाड़ी में रहता है, जब आग लगता है ना तब रखते हैं उसको। हाँ भाई क्या हो गया? भागी सेजल के, देखो ये क्या है, रिमोट, कैमरा का रिमोट है तो मेरा। तो गाइस आगे भाई हम पंचर वाले भाई के यहाँ, तो एक शॉप मिली है भाई थी यहाँ पर, तो भाई पंचर चेक कर रहे हैं, पंचर है क्या है, ये वैद नॉर्मल पानी शैम्पू का है, शैम्पू का पानी है, टायर ना पंचर है नहीं भाई, हवा निकल गई इसकी, खड़े खड़े बोल रहे भाई, तो टायर पंचर तो है नहीं, 20 रुपए लगे खाली भाई चेक करने के। सानवी बैठे भाई पीछे कर रहे भाई मस्ती, ये देखो पीछे, ओए सानवी ओए क्या कर रहा है, खिड़की के मजे ले रहा है, देखो कैसे खड़ी हो रही है, खिड़की के मजे ले रही है, ज्यादा मत करो जुकाम लग जाएगा, हवा लगेगी, ओए तू कहाँ जा रहा? अरे मुझे क्या ठंडी लगेगी? हाँ क्यों जुकाम लग जाएगा मेरे भी, ये देखो सानवी क्या मस्ती कर रही, ये आगे पापा के पीछे आगे ना। सो गाइस गाड़ी वाड़ी धो दी है मैंने भाई, ये देखो भाई अपनी डिजायर धो दी है, ये भी चमक रही है, अल्टो तो धो के मैंने वहां लगा रखी है। मैं जैसे कह रहा था ना भाई कि आजकल ना घर चल रहा है, तो देखो ना मेरा क्या नुकसान हो गया, अभी जब मैं गाड़ी बैक कर रहा था ना, तो यहाँ देखो यार मेरे क्या हो गया, ये देखो ये मेरा ना शीशा टूट गया यहाँ पर, देखो लकड़ी में इधर पे फंसा, पता नहीं क्या हुआ, और ये शीशा पूरा क्रैक हो गया है। अब ये देखो मैंने चिपकाने की कोशिश करी, चिपकानी है, अब नया लगना लगेगा भाई, तो भाई दिन पर दिन नुकसान होते जा रहा है। तो फिलहाल अभी निकालते हैं भाई आज अल्टो को, अपने निकाल दिया भाई अपने अल्टो, तो चलते हैं पहले भाई पूजा का सामान ले लेते हैं। ले लिया आपने हैं, मैगी ले लिया, इससे पूजा करोगे क्या, पेट पूजा करोगे इससे ना। सानवी ले रही उधर पे, ये भाई हमारी दुकान है जहाँ से हम ले रहे हैं भाई सामान अपने खाने पीने का, और पूजा के सामान वगैरह सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। अच्छा तो गाइस घर पहुंच के भाई सामान लेके, तो गाइस इस ब्लॉग वीडियो करते हैं पे एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।